Hi guys, so in day 7 video, today we will attempt some more questions on managerial economics. So चलिए start करते हैं हम अपने quiz को. So यहाँ पे देखिए हमने बाकी steps आपको earlier videos में बता दिए थे, तो आप हमारी earlier videos देख सकते हैं कि आपको कैसे visit करना है हमारी website पे और कैसे quizzes को attempt करना है. अगर आपको हमारा commerce और management का complete course pack चाहिए तो वो भी आप purchase कर सकते हैं हमारी website के through. एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो चलिए हम क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं. सो देखिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है. वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्विज सेक्शन में जाना है. क्विज में आपको यूजीसी नेट पे जाना है. यहाँ पे आपको डे 7 का क्विज मिलेगा. देखिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं यूजीसी नेट मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स डे 7. सो यहाँ पे आप इसे स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसे बिगिन करना है. चलिए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अ फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट इज 300 एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड 320 एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट. सो इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट निकालना है आपको. सो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपसे पूछा गया है. तो चलिए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो चलिए देखते हैं इसके अंदर. तो देखिए आपको इसमें बोला गया है आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड और एवरेज टोटल कॉस्ट आपको गिवन है. सो देखिए आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 पे आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो दैट इज 300. सो आपकी जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगी दैट इज 5 × 300 दैट इज 1500. अगर आपकी क्वांटिटी 6 होती है तो आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट हो रही है वो दैट इज 320. सो अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज 1920. सो अगर आप टोटल कॉस्ट के डिफरेंसेस को देखें, देखिए अगर आपकी क्वांटिटी 5 थी तो आपकी टोटल कॉस्ट लग रही थी 1500. अगर आपकी क्वांटिटी 6 हुई है तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1920. सो आपका इसका डिफरेंस जो होता है ये होता है मार्जिनल कॉस्ट. सो आप इसको डिफरेंस को देखेंगे तो आपका आएगा 420. सो आपका जो आंसर होगा वो होगा 420. सो अगर हम इसके अंदर देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है 420 दैट इज डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसमें क्या पूछा गया है, वट इज़ द शेप ऑफ डिमांड कर फेस्ड बाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका डिमांड कर होता है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो यहाँ पे आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. तो ये आपका प्राइस होता है. यहाँ पे जो प्राइस होता है यही आप इसी को डिमांड कर भी बोला जाता है. सो यहाँ पे आपका डिमांड कर इज इक्वल्स टू प्राइस. सो इसमें आपका जो लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, द डिमांड कर फॉर अ मोनोपोली फॉर्म विल बी. तो मोनोपोली फॉर्म का बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन का उल्टा होता है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है उसके अंदर. इसको बोलते हैं डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइस. इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व भी लाइन भी बोलते हैं. ठीक है, ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और ये है आपका मोनोपोली के अंदर. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया आपसे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली द किंक डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स. तो देखिए आपने इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट्स यूनिट के अंदर आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, जिसमें आपने किंक डिमांड कर्व पढ़ा होगा. किंक डिमांड कर्व को पॉल स्विजी ने डिराइव किया था और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था इसको जरा एक बार समझ लेते हैं. देखिए देखिए ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो आपकी जो डिमांड कर्व होती है वो मोनोपोलिस्टिक की तरह ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बट वहाँ उसमें किंक होता है दैट इज वो कुछ इस टाइप की होती है. यहाँ पे आपका किंक बनता है. ऐसा क्यों बनता है, देखिए यहाँ पे आपका प्राइस डिटरमाइन हो गया, दिस इज द प्राइस, बट इसके ऊपर वाली ये चीज होता है ये इलास्टिक पोर्शन होता है, ये होता है इनइलास्टिक पोर्शन. देखिए अगर ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म है, ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कुछ ही फ्यू फॉर्म्स डोमिनेट कर रही है मार्केट के अंदर. सो अगर कोई भी फॉर्म प्राइस को इंक्रीज करती है सो उसकी जो राइवल फॉर्म होगी वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी, बट अगर कोई फॉर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो यहाँ पे जो राइवल फॉर्म होगी वो भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर लेगी. क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म अपने प्राइसेस को बढ़ाती है तो राइवल फॉर्म अपने प्राइसेस को नहीं इंक्रीज नहीं करेगी. इससे वजह से आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी और आपके कस्टमर्स कम हो जाएंगे. इसीलिए यहाँ पे ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म के अंदर एक प्राइस रिजिडिटी होती है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्म्स होती हैं वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करती हैं. बट अगर कोई भी फॉर्म अपने प्राइसेस को डिक्रीज करती है तो उसकी जो राइवल फॉर्म होगी वो भी अपने प्राइसेस को डिक्रीज कर लेगी. सो यहाँ पे जो आपका लोअर पोर्शन होगा दैट इज इनइलास्टिक. सो
यहाँ पे जो किंक बन रहा है आपका, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली द किंक डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स. द किंक डिमांड कर्व आपको क्या एक्सप्लेन करता है, तो जो आपको ऑप्शंस गिवन है दैट इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस लीडरशिप एंड कोल्यूजन अमंग राइवल्स. सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज प्राइस रिजिडिटी. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इसके अंदर क्या पूछा गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. इंडिया के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है उसको आप किस टाइप की मार्केट के अंदर पुटअप करेंगे. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है परफेक्टली कम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिशन एंड ओलिगोपोलिस्टिक. सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए और हम इसको नेक्स्ट क्विज के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्दर अगर आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. एंड अगर आपको टेलीग्राम पे ये क्विजेस को अटेम्प्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.